प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। सावन के सोमवार के दिन व्रत क्यों रखते हैं, आइए जानते हैं इससे संबंधित। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनवांछित कामना पूरी होती है, सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीष प्राप्त होता है और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। वहीं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या अगर कुमारी कन्याएं ये व्रत रखें तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार का व्रत का वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह रखा जाता है। सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से रोगी व्यक्ति को निरोग काया का वरदान मिलता है। संतान सुख की चाह रखने वाले व्यक्ति को सावन में रोजाना शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख का योग प्रबल बनता है। इस विधि से अगर पूजा करते हैं, मतलब सुबह और शाम स्नान करने के बाद पूरब या उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके आसन पर बैठें, शिव जी की और माता पार्वती को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एवं गंगाजल से शिव परिवार को स्नान कराएं, फिर चंदन, फूल, धूप, दीप, रोली, वस्त्र, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि जो है वह अपने हृदय से अर्पित करें। गणपति को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, शिव चालीसा और शिव जी के मंत्रों का जप करें, सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ें और अपनी मनोकामना को शिव जी से पूरी करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आरती करें, पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।